आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस एक्सेस डेटाबेस, और हमारी ये आज की लास्ट क्लास है, इनकी लास्ट क्लास है। और हमारे साथ जी अमन जी है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। लेकिन मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि एमएस एक्सेस के चार पार्ट होते हैं, पहला टेबल, दूसरा फॉर्म, तीसरा क्वेरी, आपका रिपोर्ट्स। टेबल्स जो कि डेटा स्टोर करता है मेन होता है, फॉर्म जो कि डेटा स्टोर करने में इंटरफेस देता है, क्यूरी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस एंड कैलकुलेशंस पे डेटा को स्ट्रैक करता है, एंड रिपोर्ट्स एसटीडी डेटा को एक रिपोर्ट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आउटपुट देता है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं टेबल से। टेबल हमारा मेन है कि हमें हो, क्यूरी हो, रिपोर्ट हो, सबका बेस टेबल है। जब तक हम डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तब तक कुछ क्या करेंगे सर? तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, तो ब्लैंक डेटाबेस आपको दिख रहा है। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम, जैसे मैं लिख दिया DB1। इसकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपका माई डॉक्यूमेंट पे जाता है। आप यहाँ से अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है सर। मैंने क्रिएट भी किया तो मेरा एक DB1 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। डिफॉल्ट के तौर पे एक टेबल आपको दिख जाता है, तो मुझे बनाने हैं। लेकिन टेबल बनाने पहले आप पहले उसको डिसाइड कर ले, क्योंकि एक्सेल की तरह नहीं है कि आप इजीली फील्ड चेंज कर देंगे। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आखिर टेबल किस चीज के लिए बना रहे हैं, क्या क्या फील्ड्स होंगे, उस फील्ड में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, इस सारा पहले आपको डिसाइड करना होगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि हमें एक इंक्वायरी का डेटा चाहिए, मतलब कि मुझे एक इंक्वायरी, मेरे पास कॉल्स आते हैं ना सर, इंक्वायरी का एक डेटा टेबल मुझे बनाना है, जिसका नाम मैं रखूंगा INQ, मैंने इंक्वायरी। उसमें एक हमारा ऑटो एक सीरियल नंबर होगा जो कि ऑटोमेटिकली चलेगा। उसके बाद हम नेम रखेंगे उसका कॉलम, और तीसरा हमारे पास होगा मोबाइल नंबर, चौथा होगा ईमेल एड्रेस, पांचवा होगा सिटी, चौथा होगा हमारा कोर्स, और पांचवा होगा कोर्स अमाउंट। ओके, और छठा होगा डेट कब से स्टार्ट करना है। डेट दो रखेंगे, कॉल डेट एंड कब से स्टार्ट करना है वो डेट डालेंगे, ठीक है। तो ये हम इसी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसका नाम डालते हैं INQ। पहले नाम डाल लीजिए, फिर इस टेबल की डिजाइन मोड आ जाएगी। सबसे पहले आई गया और ऑटोमेटिकली ये ऑटो नंबर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपना नंबर चेंज करता है, राइट सर, ठीक है। नेम, अब यहां पे देखिएगा, जब टेबल डिजाइन करें तो नेम वर्ड यूज ना करें, क्योंकि ये नेम रिजर्व वर्ड होता है। आप यूज कर सकते हैं, ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपकी कनेक्टिविटी वगैरह में दिक्कत होगा, सो इसको अवॉइड करें। तो मैं रिजर्व वर्ड सी होता है, मतलब समझना क्या बोल रहे हैं, रिजर्व वर्ड मतलब क्या, रिजर्व वर्ड होता है मतलब एक्सेस के अंदर रिजर्व वर्ड हो, अच्छा ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप अपने ऑफिस में हैं, तो आप अपने ऑफिस में सिस्टम का नेम देना चाहते हो, तो आपने एडमिन दे दिया, तो एडमिन वर्ड रिजर्व यूजर है, क्योंकि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो आप सब यूजर का एडमिन थोड़ी डालेंगे आप नाम, हाँ ठीक है। उसी तरह से नेम, डेट, इसके रिजर्व वर्ड होते हैं, तो वो डाल सकते हैं लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि जब इसकी जब कनेक्टिविटी करेंगे तो उसमें उसको डेट नाम का फॉर्मूला होता है, नेम नाम का ये फॉर्मूला होता है,
वो कंफ्यूज जाएगा कि नेम इज द फील्ड नेम या फिर उसका फॉर्मूला नेम फॉर्मूला है, या डेट इज द फील्ड नेम या फॉर्मूला है, तो कंफ्यूजन होती है, इसके लिए बोल रहे। तो जैसे हम नेम करते हैं तो यहां पे इसकी डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है कि इस कॉलम में कौन सा डेटा एंट्री होगा। तो हमने बोला शॉर्ट टेक्स्ट, तो शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम नॉर्मली चलते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद कॉल डेट, तो हमने सी डेट दे दिया। अच्छा डेट भी लिखेंगे ना तो आपको दिखाएगा दिया ना आगे, द नेम यू डे सप्लाइड इज द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड है मीनिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू द मैन एक्सेस डेटाबेस इंजन। इफ यू आर रिजर्व, इफ यू यूज द रिवर्स वर्ड यू मे रिसीव द एरर विद द रेफरिंग ऑफ दिस फील्ड। क्लियरली बोल रहा है आपको ये, मैंने भी आप ही बोला कि जब कनेक्टिविटी वगैरह करते हैं, इसको रेफर करते हैं किसी और डेटा टेबल से, तो दिक्कत होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने सी डेट कर दिया, यहाँ पे सी डेट शॉर्ट डेट, यहाँ पे हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया, डेट एंड टाइम। और मान लीजिए किसी डेट डाल देंगे ताकि आगे से मतलब पता चलेगा कि आखिर फील्ड है क्या, तो आप यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया, तो मोबाइल नंबर शॉर्ट टेक्स्ट लिए, नंबर क्यों नहीं किए, क्योंकि हम नंबर यहाँ पे उसी को लेंगे जो कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। राइट सर। ऐसे हमारा ईमेल आईडी है तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ईमेल आईडी के बाद हम बात करते हैं सिटी का, अब शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद कोर्स, अब कोर्स में हम टेक्स्ट नहीं डालना चाहते हैं, कोर्स में हमारा लिस्ट आना चाहिए, ड्रॉप डाउन आना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमारा कोर्स है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुकअप विजार्ड सबसे लास्ट में। लुकअप विजार्ड ओपन कीजिए, यहाँ पे आई वॉन्ट टू फिल्ड वैल्यू फ्रॉम द अनोर टेबल, मतलब कि आपके पास इसकी लिस्ट पहले से किसी और टेबल में है, फिलहाल नहीं है, तो हम यहाँ पे आई विल लिखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे अपने फील्ड को टाइप करते हैं कि यहाँ पे MIS VVA एक्सेल और फिर नेक्स्ट करके हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद यहां पे हम डालते हैं फी, फी में मैं यहां पे नंबर डालूंगा क्योंकि कैलकुलेशंस है, ठीक है। फिर मान लीजिए मुझे कुछ कैलकुलेशन, मान लीजिए मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी जीएसटी हमारा नंबर है लेकिन मैं मुझे मैनुअल नहीं करना है, फीस का 18% हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने चाहता हूं इसकी एंट्री हम मैनुअल करें, जैसे एक्सेल में होता है ना हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे भी यहां आपको कैलकुलेटेड फील्ड होता है, कैलकुलेटर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि फी। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट में हम लिखा क्यों, क्योंकि फील्ड है मल्टीप्लाई बाय 0.18, क्योंकि 18% सपोर्ट नहीं करता है बीबी, तो खाए तो आप पॉइंट्स पे लिख दे या फिर डिवाइड बाय 100 कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल, टोटल में ही कैलकुलेटेड है फी और जीएसटी का टोटल, यहां पे हम इक्वल करते हैं यहाँ पे कि फी प्लस जीएसटी 6 6 आ गया सर। सिक्स आ गया, प्लस करना था ना, एंड हम इसको ओके कर देते। अब मेरा टेबल कंप्लीट हो गया, हम इसको यहां से क्लोज, अब इसको ओपन कीजिए, आप यहां पे अपनी एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि नेम, नेम में मान लीजिए मैंने डाल दिया पूजा, कॉलिंग डेट, डेट डाल दिया तो हमें यहाँ पे कैलेंडर मिल रहा है चूज करने के लिए, अगर नहीं डाल चूज करने के कैलेंडर नहीं मिलता, इसलिए मैं डेट डाला। मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं,
ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। हम इस तरह से भी डेटा एंट्री एक्सेल की तरह भी कर सकते हैं। कोर्स में ड्रॉप डाउन आ गया, इनसे ही सिलेक्ट कर सकते, कोई और नहीं। और फी जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने 15,000 डाला, तो ऑटोमेटिकली देखिए जीएसटी कैलकुलेट हो गया। इस तरह की एंट्री हम कर सकते हैं। ओके, तो एंट्री, अब डेटा एंट्री करने का एक तरीका आपके सामने है कि ये है। दूसरा तरीका है डेटा एंट्री करने का कि आप इसको फॉर्म के जरिए करें। तो यहां पे हमने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया और एक सिंपल फॉर्म बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम इसको यहां से क्लोज करते हैं। और यहां पे आईएम की देखिए फॉर्म हो गया। अब मैं नीचे देखिए, नीचे हमारा ऑपरेशंस है, इस पे हम क्लिक करेंगे न्यू रिकॉर्ड्स, तो न्यू रिकॉर्ड्स यहाँ एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं ओम, डेट यहाँ दे देते हैं। ये सिंपल फॉर्म हुआ। अच्छा, ये जो फॉर्म में आप एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली टेबल में एंट्री हो जाएगा है? हाँ, टेबल में एंट्री हो गया। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखेंगे टेबल में अपना एंट्री दिख रहा है ना सर? वो खुद ही सेव हो गया क्या? आपने सेव? हाँ, खुद ही हो गया। अच्छा, ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री दोबारा करनी हो तो ये टेबल को यहाँ पे वन बाय वन देखिए, एक से शो कर रहा है ना आपको, ये पहले रिकॉर्ड ने शो किया और मैं करूंगा ना लास्ट में जाके तो अगली रिपोर्ट दी। अच्छा, ओके। यहाँ पे ऑपरेशंस है कि आप फर्स्ट रिकॉर्ड देखनी है, लास्ट रिकॉर्ड या नेक्स्ट या प्रीवियस या न्यू रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड को सर्च करना है, फॉर्म पे कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको इस डिटेल में पढ़ाऊंगा, हम तो डेटा एंट्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं डेटा को इंपोर्ट करना, राइट सर? ओके, इंपोर्ट समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि डेटा आपका अगर एक्सेस में है या कहीं और है तो इसको कैसे आप इंपोर्ट करोगे? कैसे एक्सेस में रहे? हाँ, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल में। अब मेरे पास एक फाइल है, मैं डेटा एक्सेल में हमारी एक डेटा एंट्री कर लेता हूँ। अब कुछ रिकॉर्ड्स में बना लेता हूं मैं। नाम खुद ही आ गया सर क्या? वो मैं कस्टम लिस्ट में ऐड कर रखा हूं मैंने। अच्छा, ओके। ठीक है सर, ये डेटा हमारा सैंपल बन गया। अब मुझे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल में, एक्सेल में इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने सोर्स में गए और यहाँ हम इंपोर्ट में फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल और ब्राउज करता हूँ अपनी फाइल को। हमारे पास तीन तरीका है, इंपोर्ट जस्ट कॉपी पेस्ट अपेंड, यहाँ पे होगा न्यू सोर्स, यहाँ देख रहे हैं न्यू,
एक नया टेबल बना के आएगा, लेकिन अपेंड मतलब कि कोई प्रीवियस टेबल में नीचे से ऐड कर देगा, ठीक है और ये आपका लिंक डेटा सोर्स लिंक कर देगा। तो हम यहाँ अपेंड करते हैं, ठीक है यस, और नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आपको बार बार करना पड़ता है, तो इसको आप सेव भी कर सकते हो, यहाँ सेव दिस इज सेव इंपोर्ट, अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसमें देख रहा होगा आपको एक इंपोर्ट एरर दिख रहा है। इंपोर्ट एरर में क्या हुआ कि इसमें कुछ चीजें इसने ऐड नहीं की है, जीएसटी और टोटल को ऐड नहीं किया है। क्यों? कि जीएसटी और टोटल इज द कैलकुलेशन, इसलिए इसको ऐड नहीं किया। समझ गए? हाँ जी, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकता डेटा को आप। ओके तो अभी वो हो जाएगा दोबारा क्या? हेलो, क्या मतलब? जीएसटी टोटल तो ऐड है ना इसमें, यहाँ पे कॉलम में। हाँ, तो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेट कर दिया और डेटा लिया नहीं, फॉर्मूला नहीं लगा तो तुमको कैलकुलेट कर दिया। अच्छा तो समझ में आ गया आपको कि डेटा को हम एक तो हम टाइप भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं, और इसमें हम डेटा एंट्री करते समय कैलकुलेशन का भी ध्यान रखेंगे कि जो फील्ड कैलकुलेटिव है उसको हम कैलकुलेशन कर देंगे। ओके सर, क्लियर हो गया? हाँ। तो एक्सेस में डेटा डेटा कैसे स्टोर करेंगे ये पता चल गया आपको। हाँ जी, लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या? जब इसको राइट क्लिक करके आप डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ इसके बहुत सारे वेरिएबल्स, अब इन वेरिएबल्स को एक बार देख लीजिए। टेक्स्ट मतलब कि अगर आपको 255 कैरेक्टर तक टाइप करवाना है तो आप शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट की लिमिट नहीं डिफाइन है तो इसका आप यूज कर सकते हो। नंबर आपका छोटा नंबर इंटीजर तक चाहिए तो इसका लीजिए, जैसे 32,767 तक का नंबर है आपका तो आप नंबर लीजिए, या लार्ज नंबर लेंगे तो लार्ज नंबर आपको देगा। टाइम पता है, करेंसी आप करेंसी की फॉर्मेट में एंट्री करवाना चाहते हैं तो करेंसी का यूज कर। ऑटो नंबर कोई भी सीक्वेंस नंबर सीरियल नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट हो तो वहां पे यूज कर सकते हैं। यस एंड नो चेक बॉक्स चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहां पे हमने बोल दिया कि ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास से क्या हुआ कि अब आपके पास यहां पे चेक बॉक्स आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यस, नहीं क्लिक है तो नो, राइट? आपका यस एंड ओएलएस जेट को फिलहाल छोड़ दीजिए। हाइपरलिंक कोई अगर लिंक लोकेशन ताकि क्लिक करते हो, अटैचमेंट जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह रिज्यूम वगैरह उसका यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर और उसके विजार्ड को मैंने आपको बताया ही है। अब इन सब के भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट आपने लिया तो शॉर्ट टेक्स्ट में इसकी फील्ड की साइज, इसका कैप्शन, डिफॉल्ट वाली वैलिडेशन रिक्वायर है या नहीं है, ये चीजें भी इसमें होती है, और हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कि हमने नंबर ले लिया
यहाँ पे टाइप है कि कौन सा नंबर लॉन्ग इंटीजर है या इन बाइट है, क्या है। और ये आपको क्या बोलते हैं टेबल क्रिएट करते समय ही डिसाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि फीस हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर शॉर्ट टेक्स्ट, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लॉन्ग नंबर लार्ज नंबर, तो जैसे ही सेव करूंगा मुझे ये एरर देगा। क्या एरर? दिस डेटा टाइप इज नॉट कंप्यूटेबल व्हाइल द अर्लियर वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसमें क्या हुआ कि आपका डेटा विद नंबर था, इसलिए अभी मान लीजिए कि इसमें अगर टेक्स्ट होता तो ये आपका सेव ही नहीं, समझ गए? नहीं, आवाज ब्रेक हुई आपकी बीच में, दोबारा बोलना। मैं बोल रहा हूं कि आप अगर किसी भी फील्ड का ये चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि डेटा टाइप, तो आप टेबल क्रिएट करने कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नंबर लिख देता हूं, मैं लिखता हूं USA 1153 एक्सटेंशन डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, टेक्स्ट था इसने सेव कर लिया और मैंने इसको सेव करके क्लोज कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं कि डिजाइन मोड में जाता हूं और मोबाइल नंबर को मैं लास्ट नंबर कर देता हूं। अब मैं इसको सेव करूंगा, यस करूंगा, ये आपका दिख रहा है, ये कन्वर्ट आपका नहीं होगा। जैसे मैं इस पे करूंगा, ये दिख रहा है आपका वो डेटा गायब हो गया। समझ गए? समझ गया। तो इसलिए आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आखिर में क्या टाइप करना है, ठीक है? ये अमन जी, तो अमन जी मुझे आप क्या करें कि 5 टेबल क्रिएट करके दिखाए डिफरेंट डिफरेंट डेटा एंट्री के लिए, ठीक है? कि मैं टेबल के अंदर जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे, ठीक है? तो अभी क्या करना है मेरे को? अभी आपको 5 डिफरेंस, आपको एक इंक्वायरी का टेबल बना दिया ना? हाँ। ऐसे आपके ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी टेबल बना दे या फिर कुछ और टेबल सोच ले, ठीक है? तो टेबल क्रिएट करनी है ना मुझे कल? हाँ, टेबल क्रिएट करना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसके गूगल की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? गूगल नहीं, आप गूगल पे जाए, इमेज पे जाए, ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डेटा बहुत सारे डेटा टेबल के फॉर्मेट आएंगे, जैसे ये देखिए, दिख रहा है ना सर? इसको क्लिक करें, इसको देखें और ये फील्ड बना दे, ठीक है? समझ गया? दिया है आप, ठीक है सर? ठीक है सर। इसको आप एक बार बना के मुझे भेजें, फिर मैं इसको देखूंगा, फिर टेबल में आपने क्या समझा है, फिर आगे क्रिएशन और बाकी और हर एक के एक एक एग्जांपल दूंगा। अभी तो मैं आपको टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीज, कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन है, ये सब चीजें बताएंगे सर। लुकअप विजार्ड में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर, ओके, बाय, गुड नाइट।